अभी जो वोटर लिस्ट में नाम बढ़ी है 82,939 वोटर्स की नाम बढ़ी है और 27,017 वोटर्स की नाम डिलीशन हुआ है। तो फिर से रिपीट कर दीजिए नंबर 82, हम ये आंकड़ा दे भी देंगे, 82,939 वोटर्स हैव बीन एडेड एंड 27,017 वोटर्स हैव बीन डिलीटेड फ्रॉम द वोटर लिस्ट। मैं दो बहुत महत्वपूर्ण बिंदु जो हमारे जितने भी वोटर्स हैं उनको बताना चाहता हूँ। ये एक गणतंत्र का पर्व होता है, इट इज अ सेलिब्रेशन ऑफ डेमोक्रेसी, एवरी पर्सन शुड वोट। उसके लिए आवश्यक है कि उनका नाम वोटर लिस्ट में रहे। तो आप सब जानते हैं कि अगर वोटर लिस्ट में नाम नहीं रहता है तो वोट नहीं डाल पाएंगे। तो इसमें निरंतर अभियान इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया स्थानीय प्रशासन के माध्यम से तो चलाए ही जा रहा है, परंतु जो क्योंकि विगत 2-3 महीने में ये एक बृहद अभियान में 82,000 से अधिक वोटर्स को ऐड किया गया, अभी भी यदि किसी का वोट अगर वोटर लिस्ट में अगर नाम नहीं है उसको कैसे चेक करेंगे, उसके लिए हम आज डिटेल भी दे रहे हैं। ये NVSP नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल NVSP.in में कोई भी व्यक्ति कोई भी वोटर अपना नाम और डिटेल डालते हुए चेक कर सकता है कि उनका नाम वोटर लिस्ट में है कि नहीं, अगर है तो किस बूथ में उनका वोट डालना है। अब उसमें अधिकांश लोगों का होगा, अगर किसी का छूट गया है तो उसमें कैसे आपको एक फॉर्म 6 होता है जिसमें वोटर लिस्ट में आपका नाम आप जुड़वा सकते हैं, उस फॉर्म 6 को भी ऑनलाइन ही भरवा सकते हैं। ये भी गौतम बुद्ध नगर के बहुत सारे जनता बहुत सारे वोटर्स ऑनलाइन ही भरते हैं, घर में और कुछ नहीं करना है, आप घर में बैठे बैठे आप भरिए, आपको घर में ही पोस्टमैन आके स्पीड पोस्ट के माध्यम से एपिक कार्ड मिल जाएंगे। अभी नया नियम है आप जानते भी होंगे। तो कैसे भरना है आपका नाम, कैसे वोटर लिस्ट में रहना है आपको कराना है, उसके लिए फॉर्म दी गई। यदि आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं तो प्लीज इसको फॉर्म भर दीजिएगा। एक दो बिंदु, अपना नाम चेक कर लीजिए NVSP.in इसमें कि जाके कि आपका नाम वोटर लिस्ट में है कि नहीं, अगर नहीं है तो वहीं पर आपको डिटेल्स दिया हुआ है कैसे आपका नाम वोटर लिस्ट में आ जाएगा। क्योंकि बाद में जब एक बार नॉमिनेशन फाइनल हो जाती है, नॉमिनेशन की अंतिम तिथि के बाद कोई भी वोटर लिस्ट में चेंजेस संभव नहीं हो पाएगा। अगर वोटर लिस्ट में नाम अगर नहीं है तो वोट डालना संभव नहीं है। तो अतः मेरा आपके माध्यम से जनता से अनुरोध है कि चेक कर ले एक बार, और इफ योर नेम इज नॉट देयर प्लीज गेट इट इनपुट। तो ये मुझे जो है कि कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स है तो उनकी वैक्सीनेशन स्टेटस क्या है, और वैक्सीनेशन लगभग सबकी हो चुकी है तो उनमें लक्षण भी देखने को हमें नहीं मिल रहा है। जो कल से 6 जनवरी से जो रिस्ट्रिक्शन लागू होगा गौतम बुद्ध नगर में 1,000 एक्टिव केस होने के वजह से, एक तो नाइट कर्फ्यू 10 बजे से लेके 6 बजे तक सुबह तक रहेगा, और जितनी भी दुकान है शॉपिंग मॉल है वहाँ पे एक अभियान चलाया जाएगा, मास्क नहीं तो सामान नहीं। तो इसके लिए व्यापार कर विभाग को नोडल बनाया गया है। तो ये सारे आम जनता को एक मास्क पहनने का और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को पालन करने के लिए प्रचार प्रसार कराया जाएगा। इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम और निगरानी समितियों को एक्टिवेट की गई है। RWS AOS से निरंतर चर्चा करते हुए अगर कोई सिम्टोमेटिक व्यक्ति है जिनको कोई चिकित्सा की आवश्यकता है तो उसको उसके संबंध में कार्रवाई की जाएगी। स्विमिंग पूल वाटर पार्क तथा जिम्स को कल से फिलहाल के लिए 14 तारीख के लिए अभी बंद रखा जाएगा, और जितने भी रेस्टोरेंट और सिनेमा हॉल है उनमें 50% क्षमता तक के लिए लोग अनुमन्य रहेंगे। उनको कोविड हेल्प डेस्क रखनी होगी और सैनिटाइजर और बाकी जो कोविड प्रोटोकॉल है उसको पालन करना पड़ेगा। सर ये जिम और क्या बताया आपने 14 तारीख तक? सिनेमा हॉल तथा वो बंद जो रहेगा वो स्विमिंग पूल वाटर पार्क जिम बंद रहेगा, और जो 50% क्षमता में आपके रेस्टोरेंट है सिनेमा हॉल रहेगा, और 10वीं कक्षा तक 6 जनवरी से 14 जनवरी तक जो फिजिकल स्कूल्स है वो बंद रहेगी। और यहाँ IT सेक्टर की कंपनीज के लिए एडवाइजरी जारी की जाएगी कि वो वर्क फ्रॉम होम प्रोत्साहित करें, क्योंकि उनमें से बहुत सारे लोगों को ऑफिस आने की आवश्यकता रहती है तो उनको रोका नहीं जाएगा, ना ही उनको कोई पास की आवश्यकता है, परंतु वर्क फ्रॉम होम जितना ज़्यादा हो सकता है उसको प्रोत्साहित उनके जो एसोसिएशन है नैसकॉम है और IT सेक्टर की कंपनी से उनके माध्यम से किया जाएगा।
और शादी और ऐसे समारोह में जो बंद एरिया है वहाँ पर 100 लोग रह सकते हैं, तथा जो अगर खुले स्थान है, जो क्षमता है खुले स्थान के, उसकी 50% क्षमता तक लोग रह सकते हैं। कोविड हेल्प डेस्क, ये क्योंकि यहाँ बहुत सारे इंडस्ट्रीज और जितनी भी आर्थिक गतिविधि है, आर्थिक गतिविधियों को रोका नहीं जाएगा, उनको किसी तरह के पास या किसी तरह की कोई भी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, आवागमन जैसे पहले है वैसे ही रहेगा, परंतु कोविड हेल्प डेस्क प्रत्येक इंडस्ट्री हो, प्रत्येक संस्था हो, उनमें उनके द्वारा पहले भी उन्होंने स्थापित किया था तो अभी भी उनके द्वारा स्थापित किया जाएगा। कोविड हेल्प डेस्क में कोविड के बारे में जानता है। आज दो बिंदु पर आपसे वार्ता करेंगे, एक तो जनपद गौतम बुद्ध नगर में कोविड के संबंध में, तथा आज निर्वाचक नामावली वोटर लिस्ट की प्रकाशन जो की जा रही है उसके बारे में। आप अवगत ही है कि विगत कुछ दिनों में कोरोना की केसेस में संख्या में बढ़ोतरी हुई है, और आज जनपद गौतम बुद्ध नगर में 1000 केस, एक्टिव केस क्रॉस वो नंबर किया है। तो शासनादेश द्वारा जो रिस्ट्रिक्शंस लागू की गई है वो जनपद गौतम बुद्ध नगर में कल यानी 6 जनवरी 2022 से लागू रहेगी। जो कोरोना की इस लहर में जिला प्रशासन ने विशेषज्ञों से काफ़ी चर्चा की है और विगत कुछ दिनों का अनुभव ये रहा है, संख्या में वृद्धि तेज़ी से हुई है, परंतु जो हॉस्पिटलाइजेशन तथा ऑक्सीजन रिक्वायरिंग पेशेंट्स की संख्या है वो बहुत ही कम या ना के बराबर है। ये बात बहुत आवश्यक है, मैं दोबारा आपके सामने रखना चाहूँगा कि जिला प्रशासन ने जो चिकित्सा विशेषज्ञों से जो परामर्श चर्चा की है, सरकारी हॉस्पिटल की, सरकारी मेडिकल कॉलेजेस की, तथा प्राइवेट हॉस्पिटल्स की जो डॉक्टर्स हैं उनसे, ये जो कोरोना अभी विगत कुछ दिनों में जो देखने को मिल रही है, ये ट्रांसमिसिबल, इसकी ये फैलने की जो रेट है ये बहुत ज़्यादा है, परंतु जो कोरोना के पेशेंट्स हैं या जो कोरोना ग्रसित लोग हैं तो उनमें कोई सीरियस लक्षण अथवा कोई हॉस्पिटलाइजेशन की आवश्यकता बहुत कम देखने को मिल रही है। अगर हम हमारे ही जिले के आंकड़े हम देखें तो 1110 एक्टिव केसेस आज की तारीख में अभी तक कोरोना केस हो चुकी है, उनमें से कोई भी ऐसे पेशेंट नहीं है जिनको ऑक्सीजन की कोरोना के वजह से ज़रूरत हो। तो अगर हम कोविड 19 की हॉस्पिटल की अगर बात करें, जहां हमारी 400 बेड हॉस्पिटल है, वहां 16 पेशेंट्स को हमने रखा है, उसमें मोबाइल प्लीज बंद कर दीजिए, कुछ तो हमारे बाहर से इंटरनेशनल रिटर्नीज हैं, कुछ तो ऐसे हैं जो घर में क्योंकि आइसोलेशन करने के लिए स्थान नहीं है, कुछ तो हमारे कैदी है, कुछ तो CISF की कांस्टेबल है, ऐसे लोग हैं जिनको क्वारंटाइन करने की आवश्यकता पड़ रही है, और ICU में भी कोई पेशेंट्स वर्तमान में नहीं है, और जो है भी तो वो उनके कोमॉर्बिडिटी, उनके जो अन्य बीमारी है उनके वजह से है। और उदाहरण